अब CLAT के बहाने दूसरी प्रवेश परीक्षाओं पर सवाल उठने लगे हैं कि उनका होना संभव है या नहीं, इनको कब तक टाला जा सकता है, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे इम्तिहान हो जाएं और छात्रों का एक साल बच जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि छात्र इम्तिहानों को लेकर इन दिनों जिस तरह के मानसिक माहौल से गुजर रहे हैं वो उनके लिए किसी भी हालत में ठीक नहीं माना जा सकता। क्लैट देश की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में दाखिला पाने के लिए होने वाला कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। ये कोविड के हालातों में देश का पहला ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, लेकिन फिलहाल नई तारीख सामने नहीं है। इससे विद्यार्थियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए अलग अलग परेशानियां हैं। यशु मल्होत्रा ने 12वीं की कक्षा में 95.8% हासिल किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल वो चिंतित हैं अपने भविष्य के लिए। हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम आगे किसी और कॉलेज में एडमिशन करवाएं या ना करवाएं, कुछ अभी क्लियर हो ही नहीं रहा है। तो अगर हम एडमिशन ना करवाएं और यहाँ से भी अगर क्लैट का पेपर नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बाद में हम क्या करेंगे। कुछ ऐसी ही हालत है उन छात्रों की जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए इम्तिहान करना चाहता है। फिलहाल इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। They are just doing meetings and hearings in high courts and supreme court, but still no final judgment is here. And this is making me very much stressful because मुझे अपने entrance भी देने हैं and I don't know whether to prepare for my entrance exams that are, you know, just 1 or 2 months ahead, और मैं अपना semester exams का prepare करूँ जिसका जो कि बार बार postpone होता जा रहा है, कोई final decision इस पे वो ले नहीं पा रहे हैं। क्लैट के साथ ही दूसरी अहम प्रवेश परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। कुमार संभव जो एडवोकेट हैं और छात्रों को पढ़ाते भी हैं, उनका कहना है कि इम्तिहान ऑफलाइन होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि एग्जाम की एक निश्चित तारीख तय की जाए और इसके अलावा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ ये एग्जाम जो है वो लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को वो सिस्टम को लेकर है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए JEE मेन और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट सितंबर में होने हैं।